हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सार्थक। सो फ्रेंड्स, आज दिन है 4 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हमारी 5:30 पे बस है काजा के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम निकल दिए हैं चेकआउट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, बस की जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर ली हैं। एंड जो काजा के लिए मनाली से जो बस है वो सिर्फ एक बस है, वो भी HRTC की है। तो अगर आपको सीट बुक करना है कभी भी, तो आप HRTC की साइट पे जाके सीट बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल दिए हैं HRTC बस स्टैंड के लिए, जो कि अराउंड 100 मीटर्स है हमारे जो होटल है उससे। और आप देख सकते हैं कितनी शांति है। एंड जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:20 AM। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम HRTC बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पे हेल्पिंग डेस्क की विंडो है वो भी बंद है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, काजा के लिए बस आ चुकी है। एंड मैं आपको बता दूं, जो काजा के लिए बस है वो मनाली से नहीं, कुल्लू से स्टार्ट होती है। एंड कुल्लू से उसकी टाइमिंग है वो है 5 AM। सो फ्रेंड्स, मनाली से काजा की बस की टाइमिंग जो है वो है 6 o'clock इन मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम HRTC बस स्टैंड मनाली से निकल चुके हैं काजा के लिए। एंड नियर अबाउट 10 आवर्स ये लेगी काजा पहुंचने में। एंड मेरा सजेशन है, आप सीट को है वो एक दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें, ताकि आपको प्लेस जो है वो आगे मिल जाए। एंड काजा के लिए जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में हमारे सोलांग वैली है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अटल टनल पहुंच चुके हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 7 AM। एंड फ्रेंड, जो आप साइड में रिवर देख रहे हैं वो चिनाब रिवर है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। एंड आपको बता दूं, जो बस के चार्जेस थे वो नियर अबाउट 420 रुपीज़ पर पर्सन थे। सो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं कोकसर में ब्रेकफास्ट के लिए। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:45 AM। आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने 41 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। सो आप देख सकते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं ग्रामफू में। यहां से जो रोड की कंडीशन है काफ़ी ख़राब है, यूँ कहें कि रोड है ही नहीं। आपको बता दूं, ये एरिया स्नो की वजह से बंद हो जाता है मिड ऑफ अक्टूबर में, फिर अप्रैल में ही चालू होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और ये जो कंडीशन है वो लोसर तक है, नियर अबाउट 80 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, अभी हम इस रूट की पहली वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस है। आप देख सकते हैं ये वाटर फ्लो कितना तेज़ है बिकॉज ऑफ रेनी सीज़न। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड की जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। सो फ्रेंड्स, अगर आप डे टू डे अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा एंड फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अब हम बाटल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक फेमस ढाबा टाइप का है जिसका नाम है चाचा चाची ढाबा। सो अब हम यहाँ पे लंच करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, हम लोगों ने ऑर्डर किया है ब्रेड ऑमलेट विद स्ट्रिंग एंड फेमस राजमा चावल। आपको बता दूँ, अब बाटल से लोसर का जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 30 किलोमीटर। बता दूँ, बाटल से कुंजुम पास का जो डिस्टेंस है वो 12.6 किलोमीटर्स है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ आवाज़ चल रही है, जो कि काफ़ी ठंडी है। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल दिए हैं कुंजुम पास के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड है।
सो फ्रेंड, जो आप राइट साइड में एक गेट देख रहे हैं वो एक्चुअली चंद्रताल के लिए रोड जाता है। यहाँ से चंद्रताल का डिस्टेंस जो है वो नियर अबाउट 11 to 12 किलोमीटर्स है। एंड जो चंद्रताल है वो फेमस है ट्रैक के लिए भी, जिसमें हमटा पास ट्रैक भी होता है। आप मनाली से हमटा पास ट्रैक कर चंद्रताल भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं कुंजुम पास। आप देख सकते हैं इसको, ये एक स्तूपा है जिसको कुंजुम स्तूपा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं यहाँ पे बस का स्टे रहता है। एंड कुंजुम पास की जो हाइट है वो है 4551 मीटर। ये जो पास है वो लाहौल वैली एंड स्पीति वैली को आपस में कनेक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा हवा का प्रेशर है। एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही रिलैक्सिंग व्यू है। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल दिए हैं कुंजुम पास से और अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉपेज है वो है लोसर। एंड अभी टाइम हो रहा है नियर अबाउट 1:30। सो फ्रेंड्स, अब हम स्पीति वैली में एंटर हो चुके हैं। सामने आप जो देख रहे हैं वो चेक पोस्ट है। यहाँ पे पैसेंजर्स की डिटेल्स चेक होती हैं एंड अगर कोई इंटरनेशनल पैसेंजर है तो उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोसर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रेक के लिए रुके हैं। बता दूं, लोसर से ही हम लोगों को स्पीति रिवर मिल जाती है एंड यहीं से फिर स्पीति वैली स्टार्ट होती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा है। अब हम लोसर से निकल चुके हैं एंड जो लोसर से काजा का डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 80 किलोमीटर्स है एंड इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स टू रीच ओवर काजा। एंड लोसर से जो रोड का कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब हम जॉस्टल में पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने टेंट बुक किया है जिसका पर पर्सन का कॉस्ट लगा है नियर अबाउट 400 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं टैक्सी यूनियन ऑफिस कल के लिए टैक्सी बुक करने के लिए, जो हमें लोकल साइट सीइंग भी कराएगी। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो 3500 पर डे के हैं एंड आप बाइक भी रेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम हॉस्टल के पीछे एक रिवर है उसका व्यू एंजॉय करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। आप देख सकते हैं ये जॉस्टल का कॉमन रूम है। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9 PM और हम लोग डिनर कर चुके हैं एंड अब हम बोन फायर को एंजॉय करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अब बोन फायर को एंजॉय कर रहे हैं एंड अभी हम लोग नाइट में स्टार गेजिंग भी करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अब कल का जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें हम सारे प्लेसेस को विज़िट करेंगे जो कि काजा या स्पिति वैली में हैं। फ्रेंड्स, स्टार गेजिंग हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11:45 PM। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।